मोदी सरकार जो कर रही है बस आज ही कोई सरकार कर पाए, इसीलिए अपन उसी का फेवर करेंगे। विकास की बात होती है और जहाँ हिंदूवाद की बात होती है तो आप भी समझ सकते हैं मोदी लहर। राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये तो परिवारवाद के जन्मे हैं, इनको ABCD नहीं समझता हिंदूवाद का। मोदी सरकार जिंदाबाद। राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं आज तक देश के लिए। हमारे जवान आज शहीद हो गए थे, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। भाई अपने को तो जो विकास करेगा वो चाहिए, अभी तो फिलहाल BJP कर रही है। कोई भी पार्टी आएगी वो थोड़े दिन कुछ बोलेगी फिर काम वही करते हैं सब। मोदी जी हैं, काम कर रहे हैं, कंट्री की व्यवस्था तभी सुधरेगी जब सारे लोग उसी एक कॉन्शियसनेस के लेवल पे आएंगे। राइट, मोदी जी ने जो वायदा करे थे धान 3100 रुपए और गेहूँ 2700 रुपए, परंतु किसान को गेहूं और उसका मूल नहीं मिल रही है, इसलिए किसान नाराज है। हमारा तो है कि सरकार नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, इंडियन अलायंस आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। तो जहां एक तरफ चुनावी माहौल गर्म है, इसी बीच जो है त्योहारों का भी सीजन चल रहा है, क्योंकि आपको बता दें होली का त्यौहार जो है वो आ रहा है और बाजारों में जो है रौनक है। होली के त्यौहार के लिए लोग जो है वो निकले हुए हैं खरीदारी करने के लिए। इस समय मैं जिस क्षेत्र में मौजूद हूँ, सिवनी क्षेत्र है और बालाघाट लोकसभा में आता है, और लोगों से राय जानेंगे, क्योंकि एक तरफ होली का त्यौहार है, दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी जो है वो त्यौहार आ रहा है, और यहाँ पर पहले ही चरण में यानी कि 19 अप्रैल को जो है मतदान होगा। ये बात करते हैं लोगों से, उनकी राय जानते हैं चुनाव को लेकर के कि उनको क्या लगता है। मैम क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सोनम। यहीं के रहने वाले से? हाँ, यहाँ सीहूं पर डेली रहती हूँ। अच्छा, तो अभी जैसे एक तरफ होली का त्यौहार है लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी त्यौहार जो है वो आ रहा है, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार मैम? डिपेंड करता है लोगों के पर्सपेक्टिव पे। आई मीन आजकल तो वैसे भी लोग इतना होली खेलते नहीं है, और पॉलिटिक्स का भी एक क्रेज़ है कि टाइम के साथ कम हो रहा है, लोग स्पिरिचुअल ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें ग्रेजुअली कम हो रही हैं कंट्री में। एक टाइम पे आके ऐसा आएगा कि पूरा कंट्री में सेंट्रलाइज सिस्टम होगा सारा। आ सकता है नतीजे? मैं आपको बता रही हूँ, पॉलिटिक्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्या इतने सारे इम्प्लांट बनते हैं ना बॉडी में कि मैं ज़्यादा न्यूज़ देखती भी नहीं हूँ। तो डिपेंड करता है लोगों के पर्सपेक्टिव पे। कोई भी पार्टी आएगी वो थोड़े दिन कुछ बोलेगी फिर काम वही करते हैं सब। तो इट डजंट मेक मच डिफरेंस कि कौन आ रहा है, जब तक कि ये कि प्रॉपर काम करने वाला कोई नहीं होगा तब तक वो चीज़ हमेशा सेम ही रहेगी। अब जैसे मोदी जी हैं, काम कर रहे हैं, BJP में इतने लोग हैं उनके अलावा कि वो भी सारे लोग उनके साथ एक सिंक्रोनाइज होकर काम नहीं करते, पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। राइट, तो वो कुछ चीज़ मतलब अगर इम्प्लीमेंट करना भी चाह रहे हैं तो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो कंट्री की व्यवस्था तभी सुधरेगी जब सारे लोग उसी एक कॉन्शियसनेस के लेवल पे आएंगे। राइट, वो चीज़ है। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ? सूरज यादव। यहीं के रहने वाले जी? लोकल, बिल्कुल लोकल है। आप बताइए सर, क्या माहौल चल रहा है? माहौल का चुनाव का तो ये चल रहा है, अभी आप तो देख ही रहे हैं किसकी सरकार है, किसका बोलबाला है, बस उसी पे सारा है अपना। फिर से तीसरी बार जी? बिल्कुल। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों लाना चाहते हैं? क्या कि बहुत से कुछ काम मोदी सरकार जो कर रही है बस आज ही कोई सरकार कर पाए, इसीलिए अपन उसी का फेवर करेंगे। जैसे क्या कुछ काम पसंद आया आपको? काम पसंद आज देखो, एक तो वो गरीबों का भला चाह रहा है, 1 किलो चावल दे रहा है, गेहूँ चावल दे रहा है, और बहुत से लोन वगैरह करवा रहा है। ये बहुत से कारण है जो हम लोग उसको चाह रहे हैं। तो आप लोग यानी संतुष्ट हैं? जी। आपका क्या नाम हुआ सर? सर अभिनव राय। अभिनव जी, शॉपिंग चल रही है होली? बिल्कुल, बच्चों के लिए सब रंग गुलाल खरीदी चल रही है अभी। फिर इसके बाद लोकतंत्र का भी त्यौहार सर, यहाँ तो पहले चरण में ही है मतदान, क्या है सर माहौल? माहौल क्या है, देखिए विकास की बात होती है और जहाँ हिंदूवाद की बात होती है तो आप भी समझ सकते हैं मोदी लहर, और जीतना भी चाहिए देश के विकास के लिए और देश के हित के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। अभी आपने जो ये बात की हिंदुत्व की बात की, राहुल गांधी तो इनकी तुलना असुर शक्तियों से कर रहे हैं कि ये असुर शक्तियाँ हैं। अब देखिए राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये तो परिवारवाद के जन्मे हैं, इनको ABCD नहीं समझता हिंदूवाद का, तो इनकी तुलना अपन किसी से ना करें तो ज़्यादा अच्छा, ये तो उससे भी गए बीते। अच्छा, इसी बीच एक बड़ा प्रकरण हुआ देश में, जब एक सिटिंग CM जो है वो सलाखों के पीछे चले गए, अरविंद केजरीवाल कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी राहत नहीं दी ना हाई कोर्ट ने, और कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया सबूतों के आधार पर, तो इसको कैसे देखते हैं सर? अब इसको तो क्या, अब इसको अब जो जैसी करनी वैसी भरनी, इसके लिए तो एक ही शब्द कह सकते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। पहले इन्होंने अपनी बहुत सच्चाई की, अब जो सच्चाई है हो सकता है अगर वो हकीकत हो तो उस कारण उनको उस चीज़ का परिणाम मिला हो, इसी की इससे कुछ बदलाव होगा नहीं, क्योंकि उनके नेता बोल रहे हैं अब ये जो कर दिया सहानुभूति मिले लोगी और 100% सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अब वो तो जनता फैसला करेगी आने वाले समय में क्या होता है, और अब जो सच्चाई है कहते सत्य के साथ अगर वो सच्चे होंगे तो फ्री हो जाएंगे, अगर गलत होंगे तो उसका उनको परिणाम भोगना पड़ेगा।
प्रकाश जी, कैसा चल रहा है माहौल यहाँ चुनाव? अभी तो इस साल होली की बहुत ठंडी है, चुनाव तो मोदी सरकार जिंदाबाद, उसको तो कुछ हिला नहीं सकता कोई। राहुल गांधी का नामो निशान नहीं है। नहीं है राहुल? राहुल गांधी का नामो निशान नहीं है। क्यों, ऐसा क्या कारण है? राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं आज तक देश के लिए हमारे। मोदी जी ने बहुत कुछ किए हुए हैं, हमारे जवान आज शहीद हो गए थे, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, फिर भी आज मोदी सरकार हमारी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। तो उसके बाद जैसे जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह हुई, लेकिन वो विपक्ष ने उन पर भी सवाल उठाए थे कि कहाँ हुई, सबूत दिखाइए हमको। अरे वो सबूत अबूत की बात तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए। अभी वादे कर रहे हैं वो और कह रहे हैं कि अब हम आएंगे, इतनी कुछ नहीं कर पाएंगे, वादे सब झूठे हैं उनके, वादे सब झूठे हैं, कांग्रेस सरकार झूठी है। एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ देश में, केजरीवाल अभी चले गए जेल में, कुछ भी नहीं चलेगा राहुल गांधी। विकास ठाकुर। विकास जी यहीं के रहने वाले जी? अच्छा सर, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का इस बार? चुनाव का अब चलेगा पता, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? अब वो तो जनता ही तय करेगी। आप भी तो जनता है, आपका एक आपका अपना क्या स्टैंड है, आप किसको चाहते हैं? भाई अपने को तो जो विकास करेगा वो चाहिए। विकास जी को विकास करने वाला चाहिए जी। तो किससे उम्मीदें हैं, कौन कर सकता है? अभी तो फिलहाल बीजेपी कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकुमचंद सनोड़िया हूँ और मैं किसान हूँ। किसान है। क्या सर माहौल चुनाव का? भैया मोदी जी ने जो वायदा करे थे धान 3100 रुपए पर, गेहूँ 2700 रुपए, परंतु किसानों को गेहूँ और उसका मूल नहीं मिल रही है, इसलिए किसान नाराज है। और अभी ओलावृष्टि होने कारण गेहूं में दागीपन आ गए, उसका बीमा राशि और क्षति राशि भी तत्काल नहीं आई, इसलिए मोदी जी की गारंटी को फेल कह रहे हैं हम लोग। ओलावृष्टि जब हुई आचार संहिता लग चुकी है, अभी तो कोई घोषणा कर ही नहीं सकती सरकार। नहीं करे पर राशि के लिए नहीं है साहब, राशि दे सकते हैं, वो राशि दे सकते हैं, क्षति राशि दे सकते हैं, हाँ कोई नौकरी हो कोई वो नहीं कर सकते घोषणा नए काम की, इसलिए किसान नाराज है साहब उनसे। तो इस बार किससे उम्मीद है? उम्मीद ये है, हो सकता बहिष्कार करें, कुछ लोग बोल रहे हैं यदि वो समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाए तो फिर किसान उनको नहीं देंगे। किसका साथ देंगे? नहीं वो कहीं भी दे दीजिए, हम अपना मत अभी नहीं बता सकते। मेरा सोनू नेमा। कब से कितने दिन हो गए लगाए, होली की तैयारी कितने दिन से चल रही है? 3-4 दिन से कर रहे हैं। तो होली का भी त्यौहार है, दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी त्यौहार आ गया है, क्या लोकतंत्र के त्यौहार का क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसकी सरकार आ रही है? खैर वो तो अपने यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ। लेकिन सिवनी वालों को नाम उम्मीद इस बात की है कि सिवनी का आदमी नहीं आया है, कैंडिडेट जो है सिवनी का नहीं आया है, वो बालाघाट का है। हाँ। तो बालाघाट का है तो वो सिवनी में तो ध्यान देंगे नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे है, बाकी मोदी जी के कारण तो वो कैंडिडेट आएगा ही आएगा। मोदी जी का बोलबाला है? मोदी जी का बोलबाला है। क्यों है विश्वास मोदी जी पर, क्या कारण है? काम किया है मोदी जी? काम कर ही रहे हैं, हमारा खुद का मकान बना है तो हमको उनसे यानी कि सब्सिडी मिली है लोन में। आवास योजना से बना? आवास योजना से नहीं मिला है, लोन लिए थे हमने तो उसमें हमको सब्सिडी मिली है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको सब्सिडी, मतलब कहीं ना कहीं मतलब फायदा हुआ है? कहीं हमको उनसे फायदा है, और काफी काम उनके अच्छे चल रहे हैं, तो कुल मिला के एक बार मोदी जी का हम चाहेंगे कि अभी तो खैर 24 में आएंगे, 29 में योगी जी का कह रहे हैं लोग भाग, मगर मोदी जी यानी मतलब तैयारी है 29 की मोदी के बाद कहना चाहेंगे। हाँ। कि हम हमारे एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हमारे समय में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री। हाँ। हैं, ये हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य कि हमारे समय में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री। आपने 29 की भी तैयारी कर दी है, मोदी के बाद योगी? योगी तो खैर है, मोदी के बाद योगी। चलिए ठीक है, ठीक है। नेवारे जी यहीं के रहने वाले जी? अच्छा सर, क्या चल रहा है अभी यहाँ पर माहौल, क्या चल रहा है? 19 अप्रैल को पहले ही चरण में मतदान है, क्या रुझान है लोगों का इस बार? कुछ मालूम नहीं भैया। आपका क्या रुझान है? हमारा तो है कि सरकार नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। किसका आना चाहिए? ये इंडियन अलायंस आना चाहिए। अलायंस का आना चाहिए, तो क्या कारण है, क्यों कारण? अभी सब देख ही रहे सुन टीवी पर न्यूज, 10 साल से नौकरियां नहीं, लोग बेकार पड़े हैं, पड़े हैं कि नहीं बेकार, इतने महंगाई इतनी। हमारा लड़का खुद का 10 साल से 15 का पास आउट है, इंजीनियर तो कहीं नौकरी नहीं लगी, कहाँ जागा निकल रही है? कुछ नहीं निकल रहा दिखने में है। तो कांग्रेस से उम्मीद है? इतना तो कभी हुआ नहीं कि एक ही पूरा देश का प्रॉपर्टी एक तरफ फ्लो हो गया एक जगह,
देखा क्या हमने? क्या चीज मतलब? देश का सारा पैसा एक थोड़े एक ही वर्ग के तरफ तरफ ट्रांसफर हो गया, बाकी लोग वैसे ही है। कहाँ पे हुआ? हाँ, कहाँ पे? देश में। क्या नाम हुआ? हेमानी रानी। यहीं के रहने वाले जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है माहौल चुनाव? इस बार मोदी जी आएंगे। तीसरी बार? तीसरी बार। क्यों आने चाहिए मोदी, क्या कारण? मोदी जी ने गरीबों के लिए किया है। तो यानी योजनाओं का लाभ पहुँचा? हाँ, पहुँचा। राहुल गांधी तो कहते हैं कि 10 साल में कुछ काम नहीं किया। राहुल गांधी के टाइम पे कौन से काम हुए? हाँ। आप बताइए। राहुल गांधी के कहने पे नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बीजेपी ने इस बार पहली बार हुआ है इस सीट के इतिहास में कि एक महिला प्रत्याशी को उतारा है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, लेडीजों को चांस मिला है। क्योंकि यहाँ पर ये देश की चुनिंदा सीटों में जहाँ महिला वोटर ज्यादा है। हाँ। तो इसीलिए हो सकता है बीजेपी ने महिला, हो सकता है, और हो सकता है कि महिलाओं में इतनी इम्पोर्टेंस दिए है उन्होंने, तो महिलाएं काम करके भी दिखाए। और ऐसा तो है नहीं ना कि महिलाएं काम नहीं कर सकती, वो तो कर सकती है। बिल्कुल। उम्मीद है आपको महिलाओं की आवाज संसद में अगर जीतती हैं तो उठाएंगी। हाँ बिल्कुल। आपका क्या नाम? मैं अक्षिता रानी। आप किसको चाहते हैं देश में? मोदी जी हमेशा। क्यों चाहते हैं, बस एक कारण बता दीजिए। कंट्री का विकास करते हैं इसीलिए भी। हाँ। अंकुश कुल्हाड़े, कहाँ के रहने वाले? सिवनी से, भैरवगंज। तो होली की तैयारियां चल रही हैं? बहुत जोर शोर से चल रही है सर। होली का त्यौहार भी है, फिर इसके बाद लोकतंत्र का त्यौहार भी है, और यहाँ तो पहले चरण में मतदान। बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल है सर यहाँ? माहौल भैया बीजेपी की चल रहा है। बीजेपी का? बीजेपी। तीसरी बार? नहीं नहीं, मोदी की ही लहरी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण है, क्यों है मोदी? सर मोदी ने बहुत विकास भी किया है और सब चीज़ें अच्छी हैं यहाँ सिवनी में। मतलब जैसे रेलवे का अपन देख लें तो रेलवे भी अच्छा है यहाँ, हर चीज़ अच्छा है, राशन वगैरह भी गरीबों को अच्छा राशन मिल जाता है। और एक्चुअली क्या है कि उसने जो किया है ना मोदी ने, जो मतलब जो छोटे वर्ग थे तो वो बिजनेस नहीं कर पाते, तो उनकी लोन की व्यवस्था की है उनने पहली चीज़। तो MSME जो लोन बोलते हैं प्रधानमंत्री उद्यम क्रांति योजना, वो भी उसने दिया है ताकि अपना खुद का इस्टेब्लिश। हाँ, मतलब हमने खुद ने, मेरा छोटा भाई ने भी दुकान खोला है, तो हाँ, तो उसको भी मतलब उद्यम से भी बहुत उसको फ़ायदा मिला है उस चीज़ का। ये चीज़ें अच्छी रही है, यानी कि ये एक आपने बहुत सही चीज़ उनके लिए कही, जो क्योंकि सब कुछ देखते हैं कि सरकारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें बस। हाँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट नौकरी आना चाहिए, लेकिन ये मेरा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदें भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद यही कि जो मतलब है वो आना चाहिए, वो चीज़ें। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? ऋषा कुल्हाड़े। यहीं के रहने वाले? जी, सिवनी के। आपको क्या लग रहा है माहौल चुनाव? सर बहुत जोरों शोरों से है, अति वाला बोलना चाहिए, बहुत अच्छा है इस बार माहौल। किसकी सर? मोदी जी का सर, और कोई नहीं, इसके मोदी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी तो कह रहे हैं काम कुछ नहीं किया 10 साल में। सर कितना काम किए, गरीबों का घर बन गया, कितने सारे विकासशील हो रहे, काम हो रहा है, और क्या नहीं हो रहा, क्या चाहिए लोगों को, इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप किस चीज के लिए। यानी कि यहाँ भी आवास मिले हैं लोगों? बहुत लोगों को मिला सर, जिसकी उम्मीद नहीं थी उन लोग का घर बना है, ऐसे लोगों का बना है। हमारे मोहल्ले में तो जितने इनका घर ना बना था उन लोग का तक बन गया है। इसमें पक्का मकान? पक्का बना है सर। तो बाकी और भी योजनाओं का लाभ सर मिल रहा है? सर अभी वो लाडली लक्ष्मी वाला मिल रहा है, सभी लोगों को मिल रहा है, हमारे घर में सबको, मोहल्ले में सब जगह मिल रहा है। सब जगह मिल रहा है, तो इसलिए मोदी सरकार। मोदी सरकार तो आ ही की निश्चित ही है, मोदी का तो आना निश्चित है। इस सीट पर इस बार थोड़ा रोचक इसलिए है, इस बार माहौल महिला को उतारा गया इस बार बीजेपी की तरफ से, और यहाँ महिला मतदाता ज्यादा है इस बार। सर क्या होता है, जैसे एक जेंट्स का होता है, एक लेडीज का होता है, महिला का भी एक सपोर्ट होना चाहिए। महिला के बिना जेंट्स कैसे हो आगे पहुंच पाएगा? दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बराबर बैठेगा तभी आगे सीट चलेगी, ऐसा रहता है सर। वासुदेव प्रेमचंदानी, क्या लग रहा है सर माहौल, क्या मार्केट में क्या चल रहा है आजकल चुनाव का? चुनाव का मोदी, तीसरी बार मोदी, बस मोदी के अलावा कुछ नहीं। क्यों? लेकिन बस काम कर रहा है। काम? राहुल गांधी तो कहते हैं काम कुछ नहीं किया। नहीं, राहुल गांधी ने काम किया, मोदी काम कर रहा है, बोलता है तो काम करता है। ये बहुत दावे कर रहे हैं, हम आएंगे तो इतनी नौकरियां देंगे, MSP देंगे, सब करेंगे, ये सब वादे हैं, काम नहीं होगा। मोदी बोलता है तो करता है। अच्छा, इसी बीच चुनावों के बीच में एक बड़ा प्रकरण हुआ देश में, सिटिंग CM अभी चले गए सलाखों के पीछे, अरविंद केजरीवाल जी, और हाईकोर्ट भी गए थे, गिरफ्तारी ना हो, हाईकोर्ट से भी छूट नहीं मिली, और कल राउज एवेन्यू कोर्ट से भी छूट नहीं मिली, रिमांड पर भेज दिया गया। इस प्रकरण पर क्या कहेंगे सर? इसके बारे में जानकारी नहीं है, बाकी जो मोदी की बात आपने पूछे वो परफेक्ट थी। जितेंद्र सोनी, यहीं के रहने वाले?
नहीं जी, मेहरा पिपरिया। क्या लग रहा है आपको माहौल चुनाव? ठीक लग रहा है। किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा की। भाजपा की चाह रहे हैं, कोई कारण क्यों आनी चाहिए भाजपा? अब कारण तो ढेर रहे हैं, सब अच्छे अच्छा हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है जी।